नमस्कार, अतुल्य भारत चेतना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त खुशबू शर्मा। आपकी बस्ती से गुजरेंगे ये पल आज की शाम, खिल ही जाएंगे उम्मीदों के कमल आज की शाम। कुछ की पलकों पे तमन्नाएं झिल मिलाएंगी, कुछ को याद आएगा गुजरा हुआ कल आज की शाम। दोस्तों, हम स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं। 75वां ये पर्व है जो हम भारत होने का गौरव हमें दिलाता है, और वाकई हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। और आज इसी का जश्न मनाने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि आपको ज़िंदगी की एक ऐसी बेहतरीन, एक ऐसी सुकून भरी शाम दी जाए कि जो आपकी ज़िंदगी में न सिर्फ मोहब्बत के पल लेकर आए, बल्कि आपको वो यादें भी दें जो शायद कहीं भूली बिसरी पड़ी हैं या जिन यादों पर धूल जम चुकी है। कहते हैं कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, और उनकी याद आई सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, उनकी याद आई सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी शाम के माध्यम से आपके हवाले कर रहे हैं कुछ ऐसे ज़िंदा दिल पल, कुछ ऐसी गज़लें, कुछ ऐसी मौसिकी, कुछ ऐसी आशिकी, क्योंकि जब आशिक और माशूक का मिलन होता है तो बात शब्दों से नहीं होती, अल्फाज से नहीं होती, बात सिर्फ निगाहों से होती है। और गज़ल ऐसी एक तरीका है जो शब्दों के बिना ही दिल से दिल की बात कह देता है। तो चलिए इस शाम को और सुहानी करें और आपको लेकर चलते हैं जश्न गज़ल में। दोस्तों, साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये शो बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि आज के इस शो में कुछ ऐसी बेहतरीन गज़लें होंगी जिनको सुनकर आप भी वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। और आज इस शाम को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारे साथ जो इस मंच पर हमारे साथी आज शामिल होने वाले हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, आपसे रूबरू करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जो माइक पर रहेंगे और अपनी शानदार आवाज़ से, अपनी गज़लों के जादू से आज इस शाम को और भी हसीन कर देंगे। तो इस्तकबाल करेंगे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का। वहीं हमारे साथ आज सारंगी पर इस शाम को मदहोश कर देने के लिए मौजूद हैं मुदस्सर खान साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे और चाहेंगे कि आज वो अपने सारंगी से कुछ ऐसे सुर निकालें कि जो इस शाम को न सिर्फ खुशनुमा बल्कि रंगीन कर दें। फ्लूट पर आज इस शाम को और ज़्यादा हसीन बनाने के लिए अतुल शंकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल शंकर साहब का भी हम ज़ोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करेंगे। ताल के बिना कोई भी शाम अधूरी रहती है, कोई भी प्रोग्राम अधूरा रहता है, गज़ल अधूरी रहती है। तो ताल, बेहतरीन ताल के लिए हमारे साथ अदनान खान साहब तबले पर हैं, ज़ोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परकशन पर आज हमारे साथ दो ऐसे ख़ास नाम जुड़े हुए हैं जो आज शाम को और भी ज़्यादा मधोशी से भर देंगे। विपिन सेन और सलमान खान साहब आज परकशन पर हमारा साथ देंगे। तो चलिए माइक सुपुर्द करते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आज के इस जश्न गज़ल की शुरुआत करें और इस शाम को और ज़्यादा हसीन, खुशनुमा, रंगीन, जैसा वो चाहें अपने गज़लों के ज़रिए बना दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। अतुल्य भारत चेतना का तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज जश्न आज़ादी के पुरखलूस मौके पर मुझे याद फरमाया और आज की महफिल इसी नाम, बहुत शुक्रिया। और महफिल का आगाज मैं करूंगा जनाब प्रबुद्ध सौरभ जी के एक आला शेर से। फरमाते हैं कि जो हम तेरी आंखों के तारे हुए हैं,
इन्हीं रत जगों के सहारे हुए, उन्हीं की नजर में उतरना है हमको, जो हमको नजर से उतारे हुए नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा से जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। ज़बाँ खामोश है लेकिन निगाहें हैं बात करती हैं, ज़बाँ खामोश है लेकिन निगाहें हैं बात करती हैं। अदाएं लाख भी रोको, अदाएं हैं बात करती हैं, अदाएं लाख भी रोको, अदाएं हैं बात करती हैं। इन्हीं को नजर नीची कि ये दांतों में उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। छुपाने में से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है, छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है। ये ऐसा मुश्क है खुशबू हमेशा देता रहता है, ये ऐसा मुश्क है खुशबू हमेशा देता रहता है। तुम तो सब जानती हो फिर भी क्यों मुझको बनाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे
मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते बहुत शुक्रिया। जब गजल हो गजल की बाहों में, जब गजल हो गजल की बाहों में, फूल खिल जाएं फिर तो राहों में, जब गजल हो गजल की बाहों में, फूल खिल जाएं फिर तो राहों में, क्यों ना दरिया की मछलियां तड़पें, क्यों ना दरिया की मछलियां तड़पें, सुरमई मौज की पनाहों में। जी हाँ दोस्तों, गजल एक ऐसा समंदर है जहाँ पर आशिक भी माशूक भी, इश्क करने वाले तमाम वो लोग जो शायरी को पसंद करते हैं वो डूब जाते हैं। और गज़ल का जादू ही यही है जो सुनने वाले को महसूस होता है कि वो उसी की दास्तां बयां कर रहा है। चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं और आपको फिर से एक ऐसी बेहतरीन नगमा सुनाने के लिए, बेहतरीन गज़ल सुनाने के लिए ले चलते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा और उनके साथियों के साथ, जहां पर वो बेहतरीन सुर और ताल के ज़रिए इस शाम को न सिर्फ रौनक से भरे हुए हैं बल्कि हमारी उम्मीदों में, हमारी खुशियों में भी इजाफा कर रहे हैं। चलिए रुख करते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का। बहुत ही खूबसूरत गज़ल एक और आपकी नज़र, कंपोजिशन जनाब जगजीत सिंह साहब की, और उन्हीं की गाई हुई गज़ल है और जो लिरिक्स इसके हैं शायर साहब जो हैं शायर आज़म जनाब नवाज देवंदी साहब, तो समाप्त फरमाइएगा। वक्त दो मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, वक्त दो मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। गजल पेशे खिदमत है। तेरे आने के जब खबर में है के तेरे खुशबू से सारा घर में है के तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की। शामों में है के तेरे तस्वीर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके,
शाम के बाद फिर शहर में है कि तेरे आने की जब खबर में है कि तेरे खुशबू से सारा घर महके रात भर सोचता रहा तुझको रात भर सोचता रहा तुझको ज़हनो दिल मेरे रात भर महके ज़हनो दिल मेरे रात भर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरे खुशबू से सारा घर महके याद आए तो दिल मुनव्वर हो याद आए तो दिल मुनव्वर हो याद आए तो दिल मुनव्वर हो दीद हो जाए तो नजर महके दीद हो जाए तो नजर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके चांद को तुमने देख लिया चांद की ईद हो गई होगी तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके घड़ी जहां बैठे वो घड़ी तो घड़ी जहां बैठे वो जमी महके वो शजर महके वो जमी महके वो शजर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके
तेरे खुशबू से सरग महके। तो नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि गजल का ये गुलदस्ता आपको पसंद आ रहा होगा, आप इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, मौसिकी से भरी ये शाम, गज़लों से भरी ये शाम वाकई हर किसी को पसंद आती है, और शायरी तो हर दिल अजीज़ होती है। मुझे याद आता है कि नौशगुफ्ता किताब लाई हूँ अपनी आँखों में ख्वाब लाई हूँ, नौशगुफ्ता किताब लाई हूँ अपनी आँखों में ख्वाब लाई हूँ। सुनने वालों ज़रा ठहर जाओ, शायरे लाजवाब लाई हूँ। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन गज़ल के लिए लगातार हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं वो जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि आज की ये शाम आपकी ज़िंदगी का जो बोझ है वो थोड़ा कम करे और आपकी ज़िंदगी में खुशियों के पलों में इजाफा करे। तो चलिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और तमाम अपने साथियों का, जो यहाँ गज़ल का गुलदस्ता आपके लिए सजाए हुए हैं। हमारे साथ माइक पर गज़ल सरा हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। तो एक और बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर, जो कि कंपोजिशन और गाई हुई है हमारे उस्ताद साहब, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब। और इस शेर, इस गजल को शुरू करने से पहले मैं आगाज करूंगा एक बहुत ही खूबसूरत शेर, और वो अतुल्य भारत चेतना और हमारे अतुल्य भारत के लिए। ये राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर जिससे मैं आगाज करूंगा। फरमाते हैं कि कभी ही महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कहने जिया हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अब कहाँ नहीं हूँ मैं जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा।
हर चंद एक खाना नसीब, मैं के हर चंद, मैं के हर चंद, मैं के हर चंद, मैं के हर चंद, मैं के हर चंद एक खाना नसीब, मैं के हर चंद एक खाना नसीब, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन, हवा हूँ कहाँ वतन। चराग सा क्या है बरगे गुल पर, 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 गुल पर, बलगे गुल पर चराग सा क्या है बरगे गुल पर, चराग सा क्या है, छू गया था उसे दहन मेरा, छू गया था उसे दहन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, टूटा हुआ सितारा मैं के, टूटा हुआ सितारा मैं के, टूटा हुआ सितारा मैं के, टूटा हुआ सितारा, क्या बिगड़ेगी अंजुमन मेरा, क्या बिगड़ेगी अंजुमन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा।
और ये बहुत ही खूबसूरत शेर जो कि रिकॉर्ड में नहीं है। मेरी मैयत पे कोई रोया है, मेरी मैयत पे कोई रोया है, मेरी मैयत पे कोई रोया है, एक नादनी की मैयत और दुश्मनों के कंधे, कांटों पे जा रहा एक फूल का जनाजा, मेरी मैयत पे कोई रोया है, मेरी मैयत पे कोई रोया है, इसलिए जल गया कफन मेरा, इसलिए जल गया कफन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, वतन मेरा, वतन मेरा, जब सामने हो तो गजल होती है, महबूब जब रूठा हो तो मनाने में गजल होती है, महबूब जब मान जाए तो खुशी के तराने की गजल होती है। गजल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है, चाहे खुश हो, चाहे दुख में हो, चाहे कोई तकलीफ़ हो या शिकायत हो, हम हमेशा गज़लों का और शायरी का सहारा लेते हैं। और शायद यही वजह है कि आजकल हर इंसान शायरी को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए हुए है। तो चलिए, हम क्यों इससे दूर रहें, हम क्यों अपने आप को इस शाम से अलग रखें, जब बेहतरीन शाम, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन मौसिकी, बेहतरीन शायरी, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन गज़ल हमारे पास है और अतुल्य भारत चेतना का ये शानदार मंच हमारे साथ है, ये सुरमई शाम हमारे साथ है। तो चलिए एक बार फिर एक और नगमे के लिए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत शाम की ओर। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते
आस हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे जाऊंगा तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो अपने जज्बात नगमात सजाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल बसाया है तुम्हें। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें। प्यार का बन के निगहबान तुम्हें चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर जान तुम्हें चाहूंगा जिंदगी। तेरी हर चाप जलते हैं ख्यालों में चरा, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए। तुझको चूलूं तो फिरे जाने तो
तमन्ना मुझको देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उनवान, तुझे चाहूँगा। तू बहारों का है उनवान, तुम्हें चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। जिंदगी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक भी आप हमारे साथ इस लाइव पे बने रहे, आप सबका तहे दिल शुक्रिया। और अगले लाइव के लिए आपका एडवांस में खैर मकदम मैं कर रहा हूँ, और बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया हमारा अतुल्य भारत चेतना को, जिसने हमें इस मंच पर इस काबिल समझा कि हम इस मंच पर उन्होंने बुलाया और आप सबकी खिदमत इस गज़ल भरे गुलदस्ते के साथ की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जश्ने गज़ल बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत काविशों से हमने ये शान सजाई है ताकि आप गज़ल की बाहों में आज की रात आराम कर सकें, गज़ल की जुल्फों के साए में आप ठहर सकें और वो खुशियाँ हासिल कर सकें जो कई बार हमें महसूस होती हैं कि हम उसके हकदार तो हैं, लेकिन शायद वक्त की जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम उस चीज़ को, उस खुशी को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अतुल्य भारत चेतना मंच का, जिसने ये कोशिश की, ये पहल की कि ये शाम आपके नाम की जा सके। और आज मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जो इस टीम में शामिल हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और उनके तमाम साथी जिन्होंने आज इस शाम में रंग भरने का काम किया है। इस खाली कैनवास पर उन्होंने शब्दों का, गज़लों का ऐसा रंग बिखेरा है कि ये तस्वीर दिनों दिन तक हमारे जहनों में ज़िंदा रहेगी, ताज़ा रहेगी। चलते चलते चार पंक्तियां ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम स्वतंत्रता का ये पर्व मना रहे हैं, 75वां आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं, और अतुल्य भारत चेतना की ओर से चार पंक्तियां जाते जाते आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। आप भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम जहाँ भी रहेंगे हम भारतीय रहेंगे, कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। दोस्तों, खुश रहिए, हमेशा जिंदाबाद रहिए, जिंदा दिल रहिए, कहीं भी रहिए, सच्चे हिंदुस्तानी रहिए। इसी उम्मीद के साथ खुशबू शर्मा अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।